তাহলে দনু বাচ্চা তুমি কোন ব্যাটিং জম করছিস? So hey guys, welcome back to the channel. This is Shashwat and let's get started. So आज दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है. अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और दिन की शुरुआत लेट हुई है, और इसलिए लेट हुई है क्योंकि कल रात को हाउस पार्टी थी हमारे मिस्टर शन्नो के घर पे हाउस पार्टी थी. तो इस चक्कर में रात भर सोए नहीं, और रात को मैं शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि सब मस्ती के मूड में थे, इसलिए मैंने कैमरा उठाया नहीं, मैंने शूट नहीं किया. लेकिन अब मैंने सोचा संडे है सो आज एक व्लॉग बनाते हैं. तो जस्ट अपना एक वीक में एक ब्लॉग तो निकालना ही है, तो इसलिए मैंने कहा एक ब्लॉग बनाते हैं, चलते हैं कहीं, थोड़ा सा निकलते हैं घर से बाहर. तो फिलहाल अभी तो संडे लुक है, ऑयलिंग कर रखी है बालों में, थोड़ा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, डैंड्रफ हो रहा था, मैंने कहा ऑयलिंग करते हैं. और उसके बाद अभी मैं जाऊँगा हेयर कट के लिए और थोड़ी बियर्ड ग्रूमिंग के लिए. थोड़ा ग्रूम होने के बाद फिर मेरे को निकलना है अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा फोटोशूट करना है और फिर मैं आपसे मिलता हूँ. So as soon as I come from haircut and I just take a bath and then I'll get back to you. So I guess अब मैं थोड़ा groomed लग रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ, better लग रहा हूँ पहले से. बाल ट्रिम करा लिए हैं, बियर्ड ट्रिम करा लिए है, वो आप लोगों को भी थोड़ा ठीक लग रहा होगा मुझे देख के. और वैसे तो मैं थोड़ा स्मार्ट हुई तो अभी मैं जा रहा हूँ फोटोशूट करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बट लाइट थोड़ी डिम हो गई है. और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ और अपने भाई के साथ. और मैं भी आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ, अंशुल नाम है उसका, कैमरा अभी उसी ने पकड़ा हुआ है. तो मतलब बहुत हेल्प करता है वो मेरी हर चीज़ में, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है रिगार्डिंग एडिटिंग एंड ऑल सॉफ्टवेयर. जो भी मैं एडिट करता हूँ वीडियोस वगैरह, व्लॉग अपने एडिट करता हूँ, वो सब वो बताता है मुझे कैसे क्या करना है इनफैक्ट. लेकिन हाँ, अब मुझे उससे अच्छा आता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, तो अब मुझे उससे अच्छा आता है. मूड थोड़ा सा ऑफ है मेरा, क्योंकि इसलिए ऑफ है घर पे काफ़ी सारे काम थे, इस चक्कर में जो ये फोटोशूट करने के लिए जा रहा था वो नहीं हो पाया, टाइमली नहीं हो पाया. लाइट थोड़ी डिम हो गई है, सन डाउन हो गया थोड़ा सा, तो इस चक्कर में I don't think so कि बहुत खास अच्छी फ़ोटोज आएंगी. बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है, कैसी फ़ोटोज आती हैं. और अभी गाड़ी से उतर के फिर मैं आपको मिलवाता हूँ अपने फ्रेंड से. तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने फ्रेंड से. सो हेयर इज अंशुल, ये मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा फ्रेंड था, और इनफैक्ट है भी अभी बहुत अच्छा फ्रेंड है. कॉलेज ख़त्म हुए 2 साल हो गए हैं, बट हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं अभी भी, सब कुछ एक साथ करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं. एडिटिंग वगैरह की जो भी मुझे एडवाइस देनी होती है वो मैं इससे लेता हूँ. फोटोशूट करवाना होता तो मैं इससे करवाता हूँ, सब मैं इससे कराता हूँ. अभी फोटोशूट चल रहा था, मैं इससे इसी से अभी ये मेरे से ज़्यादा एडवांस हो गया, मेरे से काफ़ी आगे निकल गया है, कई चीज़ें नहीं पता है, लेकिन इसको सारी चीज़ें पता है. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट एडवाइस काम आई जाती है, क्योंकि मैं रेगुलर कर रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा पता है. बट स्टिल जो चीज़ें मेरे को नहीं पता होती वो सबसे पहले मैं इसी से ही पूछता हूँ. तो अभी सीन ऐसा है, अभी यहाँ पे लाइट थोड़ी डिम हो गई है, बट कुछ फोटोज हमने निकाल लिए हैं, ठीक ठाक फोटोज आ गई हैं. अभी हम लोगों ने एक थोड़े स्लोमो और टाइम लैपसेस भी लिए हैं, बर्ड उड़ रही हैं, इन सब के पूरे बढ़िया बढ़िया एक अच्छा शॉट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. बट हाँ, एक अच्छा शॉट कैप्चर करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही लगती है, तो बट वही मेहनत में लगे हुए हैं. 2-3 अच्छे शॉट्स आ गए हैं, होपफुली और थोड़े अच्छे शॉट्स आ जाएँ. तो बस फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एंड यू कैन चेक ऑल दैट गुड स्टफ, गुड फोटोज ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल. सो वी आर डन विद द फोटोशूट, और यहाँ पे ये दोनों मेरा भाई और मेरे दोस्त दोनों लोग अपने फ़ोन की फ्लैश लाए खड़े, क्योंकि अप्रोप्रिएट लाइट नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये दोनों फ्लैश लाए खड़े हैं. पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे. और यहाँ साइड में कुछ 5-6 लड़के हैं, 3 गाड़ियाँ लेके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब गाने चला रहे हैं और गाड़ियों में स्टंट मार रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं अजीब अजीब.
तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, हम बहुत हंस रहे हैं काफ़ी देर से। दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, इतना क्लियर नहीं है, रात का टाइम है, क्लियर नहीं है, बट एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर हम निकलते हैं घर की तरफ वापस। लैंड गियर से बनाइए, हाँ बना ना, बना ना, अभी दोनों बात चल रही है, फोन की बैटरी कम कर रखी है। एलग्रेन लॉन्डो में इंटरव्यू लेने के हैं लागे, ये हो कह रहा भाई, भाई गाने लागे नाच लिया यार क्या। तो आ गए हम घर वापस और फोटोशूट वाज गुड, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को होपफुली आप लोगों को वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। मिलवाया मैंने अपने आपको अपने फ्रेंड से, अंशुल से। अंशुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंशुल से मैंने बहुत कुछ सीखा है रिगार्डिंग वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कौन सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, और वीडियोस कैसे बनानी है, कहाँ शेयर करनी है, कैसे टैग्स डालने हैं, क्या करना है। तो अंशुल हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन लॉट ऑफ थिंग्स, ही हैज़ हेल्प मी। इनफैक्ट एक मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, इंसिडेंट तो नहीं है, एक छोटी सी मतलब पुरानी मेमोरी है। मैं और अंशुल कॉलेज में साथ में थे, तो हमारे कॉलेज से हमें ट्रिप पे लेके गए थे सिंगापुर। तो सिंगापुर में हमारे क्लास में अराउंड 60-70 लोग गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, सब लोगों ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी। वापस आने के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाया अंशुल ने, क्या किया, सब लोगों से, सबके ग्रुप से, सब लोगों से एक उनके ग्रुप्स की थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ ले ली, और उसके बाद उसने एक अच्छा सा गाना डाल के एक वीडियो बनाया छोटा सा। सो दैट वाज सो गुड, मैं इतना इंस्पायर हो गया, मतलब इतना फैंटासाइज कर लिया मैंने उस चीज़ से कि मतलब यार कैसे कर लिया उसने, कर कैसे लिया, इतना अच्छा वीडियो बना लिया उसने। मतलब मुझे इतना बढ़िया लगा देख के कि यार क्या मस्त वीडियो बनाया, मैं तो खुश हो गया वो देख के। और आज मैं अपने वीडियोस खुद बनाता हूँ, मैं उससे बेटर बनाता हूँ, उस दिनों फोटोज़ जोड़ के वीडियोज़ जोड़ के जस्ट बनाया था। तो ये हेल्प मी अ लॉट। इनफैक्ट आज की डेट में मैं आप तो लोग तो देख ही रहे हो, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, सब वीडियोज़ शूट कर रहा हूँ, उनको मिक्स कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो आज की डेट में मैं उससे और ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ। तो वहाँ से एक फैंटेसी मेरी शुरू हुई थी। इनफैक्ट मैंने और अंशुल ने मिलकर कॉलेज टाइम में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हमारे घर के पास सेक्टर 4 का एरिया पड़ता है, वहाँ पे एक पाव भाजी वाला है बहुत ही फेमस। तो हम दोनों ने वहाँ मिलके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन भैया पे, कि उन्होंने वो लाइफ में कैसे ग्रो हुए, कहाँ तक, क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छी पाव भाजी बनाता है और बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इनफैक्ट हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन था, तो हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन था, और उस कॉम्पिटिशन में हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था उस डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। अंशुल ने शूट करी थी, अंशुल ने एडिट किया था, सब कुछ किया था, और उसमें मैंने बोला था, मैंने एंकरिंग मैंने की थी उसमें। सो दैट वाज अ टू गुड एक्सपीरियंस। मैं उस वीडियो हमारा यूट्यूब पे भी है, उस वीडियो का मैं यूट्यूब लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख पाओ। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तब से एक, जिसे कहते हैं ना, एक मतलब अंदर से आग लग जाना कि भाई नहीं, मुझे करना है कुछ ना कुछ। बहुत प्लान्स बनाए अंशुल और मैंने साथ में कुछ ना कुछ करने के, वीडियोज़ बनाने के, बट नहीं हो पा रहा था, साथ में नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फाइनली एक व्लॉगिंग करने का मतलब सोचा। सो नाउ हेयर आई एम व्लॉगिंग एंड होप यू गाइस आर एंजॉयिंग माय व्लॉग। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और बहुत ही छोटा और सिंपल और शॉर्ट व्लॉग था। आई गेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो यू नो व्हाट टू डू, अच्छा लगा होगा तो हिट द लाइक बटन, और हाँ वहाँ नीचे एक सब्सक्राइब का बटन भी है रेड कलर का। अगर आप नए हो और आए हो देखने के लिए मेरा वीडियो, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर आपको और अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। फ्यूचर में मैं वीडियो शूट करता रहता हूँ, अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, हफ्ते में एक ही वीडियो डाल पाता हूँ। होपफुली फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, क्योंकि 6 दिन ऑफिस में रहते हैं, सुबह शाम तक ऑफिस में रहते हैं, शाम को फिर अपना रूटीन रहता है, नॉर्मल जिम जाना है, सब कुछ करना है, तो नहीं हो पाता। होपफुली आगे कुछ बेटर हो जाएगा सिनेरियो, तो मैं हफ्ते में, महीने में और थोड़े ज़्यादा व्लॉग्स डालूंगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं हफ्ते में एक ही व्लॉग डाल पाता हूँ। तो होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, एंड होप मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मेरी तरफ से मुझे लगता है मैं थोड़ा इम्प्रूव किया है, बट आप लोग बताइए मैंने कैसा किया है, कितना इम्प्रूव किया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो डू सब्सक्राइब शेयर कमेंट, एंड दूसरा एक चीज़ और होती है ना, डू सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड एन्जॉय माई लवली फ्रेंड्स, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।